बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनारस में रैली होने वाली है, इसको लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गई है। ऐसे में चिराग पासवान ने कहा कि जब बिहार उनसे नहीं संभल रहा, बिहार के लोग उनसे नहीं उनके नहीं सुन रहे हैं, तो अब बनारस के लोग उनके सुनने जाएंगे। बिहार और बनारस की दूरी ज़्यादा दूर पर नहीं है। अपनी नाकामियों को जब बिहार में उन्होंने नकार दिया लोगों ने, तो अब बनारस जाकर क्या करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है बस कुछ घंटों के बाद, लेकिन उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। वहीं कई मंत्री भी उसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो आ ही रहे, लेकिन अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, ना ही पश्चिम बंगाल के और ना ही झारखंड के और ना ही उड़ीसा के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जो मंत्री हैं वो पहुँचे हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उसमें विशेष राज्य की दर्जे की ज़रूरत ही क्या है। विशेष राज्य की जब बिहार अगर विकास कर रहा है और बिहार विकास करता रहता तो विशेष राज्य की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बिहार इतना ही तरक्की कर चुका है तो फिर विशेष राज्य की जरूरत ही नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले वो आप जरा गौर से सुने। अच्छी बात है भाई, मांग करें और बताएं कि 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें, और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाई देखिए, हम लोग पूर्णतः इस बात के समर्थन में हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर जब हम या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो उनको इस बात को भी स्वीकारना होगा कि 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में नाकाम रही हैं। यही कारण है कि बिहार में आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की ज़रूरत पड़ रही है। और हकीकत है, बिहार का विकास मुख्यमंत्री जी की नीतियों से नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलता, और उस दर्जे में भी साथ में जब तक सेंटर की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाओं की आई हुई राशि तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं में जो राशि केंद्र सरकार बिहार को भिजवाती है वो तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। तो ऐसे में जब विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाती है तो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग के माध्यम से ही इस विशेष राज्य के दर्जे की राशि या जितनी इसमें सहूलियतें हैं, सुविधाएँ हैं, उसका इस्तेमाल या पूर्ण रूपेण उसका इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब साथ में केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। बनारस जाएंगे रैली करने। भाई जो मुख्यमंत्री बिहार की जनता को बिहार की जनता ने जिनको अस्वीकार कर दिया हो, वो सोचते हैं कि दूसरे राज्य की जनता उनको सुनना चाहेगी, और अगर वो बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना क्या लेकर जाएंगे वो। बनारस पूर्वांचल में ही है, बिहार और बनारस कोई बहुत दूर दूर तो है नहीं। क्या बनारस के लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है? हकीकत है, आप जाकर देख लीजिए बनारस को। अभी कुछ दिन पहले अभी हम गए हुए थे बनारस में, पार्टी का भी एक कार्यक्रम था और वहाँ पर हम मंदिर हम दर्शन के लिए भी गए थे, काशी विश्वनाथ। आप बनारस को जाकर देख लीजिए, प्रधानमंत्री की लोकसभा है, सिर्फ इस नाते ही नहीं पर जिस तरीके से उस क्षेत्र का विकास हुआ है, वहाँ के आप मंदिर को ही देख लीजिए। मुझे एक उदाहरण के तौर पर बिहार का कोई एक ऐसा मंदिर बता दें, काशी विश्वनाथ का जिस तरीके से विकास किया गया, क्या बिहार में किसी ऐसे मंदिर का विकास किया गया? और मैं सिर्फ आस्था से जोड़ के इसको नहीं बोल रहा, रेवेन्यू जनरेशन भी होता है भाई इससे, बिहार की अर्थव्यवस्था इससे बेहतर होती है। तो जब ये बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे, क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ पे शराबबंदी तो है
पर खुलेआम वहाँ पे शराब जाती है और इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से शराब वहाँ पे जाती है। क्या बताएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर? देखिए, प्रधानमंत्री के सामने जाकर उनको सिर्फ चुनौती देना, उसके पीछे आपके पास शब्द भी तो होने चाहिए, आपके पास भी तो उदाहरण होने चाहिए। जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से जब देश के प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी लेकर आए थे तो वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। मेरे मुख्यमंत्री बताएं उनके पास क्या मॉडल है? सिर्फ वहाँ पर जाकर उनके सामने अपनी बेइज्जती कराना, ये उचित नहीं है ना। तो आपने सुना किस तरीके से बैठक को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा और विशेष राज्य के दर्जे पर, और बनारस में जो होने वाली रैली है नीतीश कुमार की, उस रैली पर भी निशाना साधा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।